ये देखें जी माशाल्लाह गुंबद खिजरा। ये जी अभी हम जो है ना मदीना के रास्ते में एक रेस्टोरेंट के ऊपर रुके हैं। ये जी यहाँ पे जो है ना ये छोटी सी प्लेट 375 रुपए की है। उधर जल गया जल गया जल गया, हाय हाय हाय। ये जी मदीना जाते वक्त हमारी गाड़ी जो है ना रास्ते में खराब हो गई है, तो अब मैं भी जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी अभी हम जो है ना बागी बागी जा रहे हैं क्योंकि हमने मदीना जाना है और हमारी बस आ चुकी है, तो हम जो है ना लेट हो रहे हैं। बाकी ये सामने में जो बस है वो भी मदीना जा रही है, जो हमारे साथ रूममेट थे वो इस बस में जा रहे हैं, हमारी लग से बस है। ये जी आ गई है बस 142 नंबर हमारी। ओके यार बस में बैठ गए और अब हम जा रहे हैं मदीना के लिए माशाल्लाह। रास्ते से आपको पूरी अपडेट देंगे इंशाल्लाह। और गंजा भी सुबह सुबह जो है ना जागा उस बारी कैब। अच्छा कैब मैंने क्या होटल में भूला है। ये जी अभी हम रवाना हो चुके हैं मक्का से और रास्ते से जो है ना आपको सारी अपडेट्स देता रहूँगा मैं। ये है जी मस्जिद आयशा जहाँ से हमने जो है ना लास्ट टाइम एहराम बांध के हमने उमरा किया था। ये जी अभी हम जो है ना मदीना के रास्ते में एक रेस्टोरेंट के ऊपर रुके हैं, यहाँ से हम खाना वाना भी खाएंगे और बाकी आपको यहाँ के इर्द गिर्द में जो चीज़ें सेल हो रही हैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह सेल हो रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह। मरहबा मरहबा मामू मेरी रिंग घूम गई थी, आप एक लेके देंगे? आपकी रिंग जो है ना घूमी कहाँ पे ये बता दें जरा, वो आपको जो है ना पूरी स्टोरी बताऊंगा कहाँ पे घूमी है इसकी रिंग। तो बाकी यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ रिंग्स हैं, ये देखें यहाँ पे देखें यार जी क्रिप्सी क्रिप्सी जो है ना यहाँ पे मुझे पकौड़े नजर आए हैं। ये जी यहाँ पे जो है ना ये छोटी सी प्लेट 375 रुपए की है। वाह वहाँ पे पाकिस्तान में 50 रुपए के होंगे। चलें जी मदसर का जो है ना पकौड़े खाने को दिल कर रहा है तो मैंने कहा ले लो जो ले तुमने खाना है। दो अंडा और एक पराठा 10 यार। पराठा और साथ में दो अंडे बना दो, मिर्ची ज़रा ज़्यादा कर दो। ये जी आ गया हमारा अंडा और पराठा। चलें जी कोई नहीं, उधर जल गया जल गया जल गया, हाय 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 उसकी तो नीचे तक जो है ना जलन गई है। मजाक फ्रेश फ्रेश बने ना बड़े मजे गया खा के ना, फिर आराम से आपसे ना मिलते हैं, फिर आपको और चीज़ें भी दिखानी है मैंने। चले जी अब हम अपने जा रहे हैं बस पे। अल्लाह अकबर यहाँ से हमने जो है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लिए थोड़े से जो अभी खा लेंगे, तो इंशाल्लाह मदीना पहुँच के फिर आपको बाकी की खूबसूरती वहाँ पर दिखाऊँगा मैं। चले जी आप जो है ना पिस्ते खा रहे हैं पिस्ते। ये जी मदीना जाते वक्त हमारी गाड़ी जो है ना रास्ते में ख़राब हो गई है, तो अब हम जहाँ पे रुके हैं टायर वगैरह गाड़ी का चेंज हो रहा है और हम जा रहे हैं अपने लिए कुछ खाने पीने को लाने के लिए क्योंकि प्यास लगी है। बादलों की वजह से आज धूप नहीं है। सुकून है यहाँ पे जो है ना टायर का काम किया जा रहा है, टायर पंचर हो गया था। ये जी अभी हम जो है ना मदीना पार्क पहुँच आए हैं। ये जी अभी होटल से नीचे उतरा हूँ तो मोबाइल की जो डेटा केबल ख़राब है वो लेने जा रहा हूँ। मोबाइल की शॉप्स किस तरफ हैं? ऊपर वो किस तरफ है? इस तरफ पीछे। चलें जी ये कह रहे हैं किस तरफ है, फिर यहीं से जाते हैं अपने होटल वाली तरफ से। ये साथ में जो है ना अपना होटल है और ये सीधा जा रहा है रोड मस्जिद नबी को। चलें जी अब हम होटल से निकले हैं तो इशा से तकरीबन थोड़ा टाइम पहले निकले हैं, तो इशा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मस्जिद नबी में पढ़ने की और उसके बाद सलाम के लिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी हमें जो है ना हरम के लिए जो है ना गाड़ी मिल गई है तो अब हम जा रहे हैं गाड़ी में, पैदल चलना ही नहीं पड़ा। ये जी अभी हम जा रहे हैं मस्जिद बिलाल के पास से। चलें जी अब हम जो है ना पहुंचाए हैं। ओके थैंक यू, ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। चलें जी हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाए हैं मस्जिद नबी, अब हम जा रहे हैं इंशाल्लाह अंदर सलाम करने के लिए और आप लोगों को भी दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों के लिए एक बात है, सबसे पहले जो है ना मैं सलाम करने जाऊँगा लेकिन वहाँ पर मैं मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा और उसके बाद दोबारा जाऊँगा और फिर आपको दिखाऊँगा रोज़ा मुबारक और फिर आप लोग भी अपना अपना सलाम पेश कर ले। चलो जी माशाल्लाह इशा का भी टाइम करीब ही है, रौनक ही रौनक है शहर की, मेरा फेवरेट सिटी है। देखें जी माशाल्लाह मदीने की पाक गलियां।
आ जाए आपको टॉफी लेके दूँ। आ जाए आ जाए आ जाए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक है। एक सफ़ेद टोपी दिखाई ये कैसी? अब ये टोपियाँ सारी लगी हुई हैं, तुम देखो तुमने कैसी पहनी है, बिल्कुल वाइट वाली। चलें जी, अब जो है ना इनको टोपी पसंद नहीं आई तो किसी और जगह से ले लेंगे, मस्जिद नबी के उस तरफ से। खजूर किस रहा है? अजवा किस रहा है? अजवा पंद्रह हज़ार। मदीना वाला किस रहा है? मदीना वाला या मदीना से बाहर से? नहीं, कसीम वाला है 25 रियाल, मदीना वाला 20 रियाल, 15 रियाल। छोटा दाना बड़ा? बड़ा दाना। चले आएंगे फिर इंशाल्लाह। चलें जी, दिलों को थाम लें, तो आप हमारे सामने आने वाला है रोज़ा मुबारक। ये देखें जी, माशाल्लाह गुंबद खिजरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं सलाम अर्ज़ करने के लिए। ये जी सामने जो है ना बाबल सलाम है, यहाँ से अंदर जाएंगे इंशाल्लाह सलाम करने के लिए, और आपको भी दिखाऊंगा मैं। और अब मैं जो है ना सलाम करने के बाद आपसे मिलूंगा। नमाज इशा हो जाए तो फिर जाएंगे सलाम करने के लिए। ये जी इशा की नमाज़ के बाद हम जा रहे हैं रोज़ा मुबारक पर, अंदर सलाम करने जा रहे हैं। और ये देखें सामने माशाल्लाह रोज़ा मुबारक, और माशाल्लाह मदीना की रौनक और ख़ूबसूरती माशाल्लाह आपके सामने है। ये जी अभी हम जा रहे हैं रोज़ा मुबारक पर, दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अभी हम जा रहे हैं, ये सामने रोज़ा मुबारक के पास ही हैं, तो अब यहाँ से जाएँगे हम सीधा सलाम अर्ज़ करने के लिए, और आप लोगों की तरफ से भी सलाम पेश कर दूंगा, और अपने घर वालों की तरफ से भी, और अपनी तरफ से मैं कर आया हूं। मैंने पहले कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं पहले गया हूं अपना आराम सुकून से सलाम किया है, दुरूद पढ़ा है, और फिर अपने घर वालों की तरफ से सलाम पेश किया है, और फिर मैं आराम से आया हूँ। अब मेरा दूसरा चक्कर है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए जा रहा हूँ ताकि आप लोग भी अंदर से रोज़ा मुबारक देख लें। अब माशाल्लाह रश काफ़ी कम हो चुकी है, तो पहले तो माशाल्लाह जिस टाइम मैं गया हूँ बड़ी रश थी, लेकिन मैंने फिर भी जो है ना राम सुकून से काफ़ी देर में अंदर खड़ा रहा हूँ, सलाम अर्ज़ किया है, दुरूद पाक पढ़ा है, राम सुकून से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक होता है जल्दी में इंसान निकल जाता है, वो नहीं, मैं राम सुकून से अंदर जो है ना बिल्कुल खड़ा रहा हूँ, कोई मसला नहीं हुआ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अब आप लोगों के लिए जा रहा हूँ, ये देखें जी बाबुल सलाम से अंदर एंटर होंगे सलाम करने के लिए। ये रहा बाबुल सलाम, और यहाँ से इंटर होंगे हम अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर। यहाँ पे जो है ना खामोशी अख्तियार करनी है, तो चलें बस यहाँ से आके मैंने बोलना, आप राम सुकून से ज़्यारत करें। ये सामने जी रियाजुल जन्ना है, यहाँ से ये मेराब से लेके नबी पाक सल्लम की हजरा मुबारक है, अब जो रोज़ा मुबारक है वहाँ तक रियाजुल जन्ना जन्नत का टुकड़ा है। और ये देखिए माशाल्लाह
फैन चल रहे हैं। अब तो माशाल्लाह गर्मी नहीं है, रात का वक्त है। ये जी सामने जो है ना अल शफा अर्जेंट केयर सेंटर है, अगर किसी को इमरजेंसी में कोई मसला हो जाए तो यहाँ जाया जाता है। तो अब मैं भी जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, अगर यहाँ पे डॉक्टर हुआ तो आपके साथ भी पूरा वो शेयर कर दूंगा। तो कहाँ पे अपने आप को जो है ना चेक करवा सकते हैं, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन है। मैं अपना जो है ना गला दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये बिल्कुल जो है ना मस्जिद नबी के गेट नंबर 303 से बाहर निकलें और यहाँ पर है जी, यहाँ पे आके जो है ना नंबरों पे ऊपर बैठा जाता है, फिर वहाँ से आगे जो है ना डॉक्टर को जाके चेक करवाया जाएगा। अगर आपने यहाँ पे डॉक्टर को चेक करवाना है, ये फिर आपकी वीजे के ऊपर जो है ना ये पूरी स्लिप बनेगी, फिर आपको जो है ना डॉक्टर चेक करेगा और मेडिसिन देगा। ये जी मैं आ चुका हूँ अंदर, तो अब मेरा यहाँ पे होगा चेकअप। आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है ना अगर आप बीमार हो जाएं, कुछ भी हो जाए, आप फ्री में जो है ना कैसे चेकअप करवा सकते हैं, तो आज के ब्लॉग में आपको बताऊँगा। आप जो है ना इस रूम में जाना है, क्लिनिक नंबर 8 में, यहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ, उसको चेकअप करवाना है। चलें जी, डॉक्टर को चेक करवा लिया है और मदसर ने भी चेक करवा लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और प्रॉब्लम है, मेरी और प्रॉब्लम है, मेरा जो है ना गला ख़राब है, साथ बुखार हो रहा है, और मदसर को जो है ना कोई एलर्जी वाला मसला हुआ हुआ है। तो दोनों ने चेक करवाया, दोनों ने मेडिसिन ली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह नाव दवाई लेने से पहले बेटर फील हो कर रहा हूं। सर में शदीद दर्द है जी, ऐसा ही है। तो चलें अब जाते हैं खाना खाने के लिए और उसके बाद जाएंगे अपने होटल, और कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह। और चलें आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गला ख़राब है इस वजह से ज़्यादा बोल नहीं पा रहा।